या पुत्र के जीवन में कोई दुख आते हैं, तकलीफ आती है, सबसे पहले मातृ हृदय पे घलता है, सबसे पहले माँ का हृदय रोने लगता है। और एक माँ में हमें तीनों देवताओं के दर्शन होते, जन्म देने वाली माँ में हमें तीनों देवताओं के दर्शन होते। अच्छा बताइए, संसार में कितने देवता हैं? प्रमुख देवता कितने हैं? तीन। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा बताइए, ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से जन्म देने वाली माँ अपने लाल को क्या करती है? उत्पन्न करती, इसलिए ब्रह्मा है। अच्छा बताइए, भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु जो है वह सृष्टि का पालन करते हैं। और एक जन्म देने वाली माँ भी तो अपने बालक का लालन पालन करती है, जन्म देने वाली माँ भी तो अपने लाल का लालन पालन करती है, इसलिए वह विष्णु है। और भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव उद्धार करते हैं। और एक माँ भी अपने लाल को अच्छे संस्कार देके उसके जीवन का उद्धार कर देती है, इसलिए माँ शिव है, इसलिए माँ शिव है। एक माँ में हमें तीनों देवताओं का, बोलिए हो गया ना दर्शन? एक माँ में जन्म देने वाली माँ में तीनों मातृ हृदय था। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माँ को माता नहीं होती। माँ का हृदय विदीर्ण हो गया।